Hi friends, how are you? I hope that you all have been taking a very, very good care not only about your health but also about your studies. Friends, आज इस बहुत ही छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की पोएम विंड के बारे में, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और हम बात करेंगे इसके कंटेंट के बारे में और इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में। फ्रेंड्स, पोएट हमसे ये कहना चाहता है कि विंड यानी कि हवा हमारी ज़िंदगी में रुकावटें लाती है, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां लाते हैं, कई बार हमारी बनाई हुई चीज़ों को ये तोड़ती भी है। लेकिन दोस्तों, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, उनकी एक तरह से ये मदद करती है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हवा हौले हौले जल रही आग को बुझा देती है, लेकिन यही आग अगर तेज़ी से जल रही होती है तो ये हवा उसको और सहारा देती है और उसे और प्रज्वलित कर देती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमें मोटिवेट भी करती है इस बात के लिए कि हम खुद को मजबूत रखें, हौसलों को बुलंद रखें। वो कहते हैं ना कि फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहाँ आशियाँ बनाने की। तो दोस्तों, अगर हम ये हौसला रखेंगे तो हमें कोई भी कमज़ोर नहीं कर पाएगा और हम आगे ही पढ़ते चले जाएंगे। रही सेंट्रल आइडिया की बात, तो चार लाइनों में सेंट्रल आइडिया आप नोट कर सकते हैं। विंड क्रशेज एंड डिस्ट्रॉयज ऑल वीक थिंग्स, हवा कमज़ोर चीज़ों को नष्ट करती है। ओनली स्ट्रॉन्ग थिंग्स कैन सर्वाइव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड, केवल वे ही चीज़ें तेज़ हवा का मुकाबला कर पाती हैं जो मजबूत होती हैं या चट्टान की तरह अडिग होती हैं। इन अदर वर्ड्स, विंड डेवलप्स आवर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि हवा हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं और शक्तियों का विकास भी करती है। टू बी विक्टोरियस इन लाइफ, जिससे हम जीवन में विजयी हो सकें, सफल हो सकें। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय।